अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और इस वक्त मैं हूँ अपने शहर में समा के मेहमान को लेके यहाँ पहुंची हूँ अपने शो को लेके। जनाब मेरा शहर आप समझ ही गए होंगे, पिंडी में मौजूद हूँ मैं इस वक्त। जनाब सड़कें बदल चुकी हैं, जगहें बदल चुकी हैं, जिस जगह पे मैं घूमती थी फिरती थी, मेरे पीछे एक चील देख रहे हैं आप। इतने साफ सुथरा माहौल है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। आज ऐसी ही एक पर्सनैलिटी से मैंने आपको मिलवाना है जिन्होंने पिंडी के ऊपर बहुत काम किया। नून लीग से उनका ताल्लुक है, अपने हलके में बहुत मशहूर है। जहांगीर तरीन साहब को नाअहल करार दिलवाने में वो कामयाब हो गया। आप लोग के लिए मैंने ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि आप सोचे मैं किस बंदे के पास लेके जा रही हूँ को, लेकिन मुझे इस बात की यकीन है कि आज के शो में आपको उनसे बात करके, बल्कि मुझसे बात करके और उनसे बात करके बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ गाड़ी में बैठना पड़ेगा और चलना पड़ेगा उस पर्सनैलिटी से मिलने के लिए, जो कि बहुत ही कमाल और बहुत ही मजेदार आदमी है। तो आइए चल के आपको उनसे मिलवाते हैं। आ जाइए। मैं इनको वेलकम करती हूँ अपने शो में, हनीफ अब्बासी साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सच वार्म वेलकम कि आप खुद यहाँ खड़े। नहीं नहीं, ये तो एक हॉस्पिटैलिटी का एक रिक्वायरमेंट है। आज पूरा दिन हम इनके साथ स्पेंड करने वाले हैं, इनको हम बहुत तंग करने वाले हैं। सर हमारे शो का नाम है समा के मेहमान। ठीक, मजे की बात है, हम मेहमान बनाते नहीं, हम मेहमान बन जाते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो अभी ये कोई खास हमारा सिलसिला चलता है डेली यहाँ पे, तो ये फिर फ्राइडे सैटरडे संडे, तो फिर हम यहाँ पे बैठते हैं, लोगों को मसाइल सुनते हैं, उसको हल करते हैं। अच्छा। मसाइल सुन के उसको हल करते हैं कि इनके मसाइल तो हल हो जाते हैं, हमारे मसाइल कब हल होंगे, यानी कि अवाम के मसाइल कब हल होंगे। लेकिन पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर बहुत तरक्की कर रहे हैं सर, वाई कराची। जो इस वक्त कम्पटिशन चल रहा है प्रोविंसेस के दरमियान, ये 18वीं तरमीम के बाद, आप पंजाब का कंपेरिजन करें ना के पी के साथ, करे ना सिंध के साथ, करे ना इवन बलूचिस्तान के साथ, कोई कंपैरिजन नहीं बनता इसमें। तो कोई के शहबाज शरीफ साहब के लिए तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह करे कुछ 5-6 साल के लिए ना वो कराची सिंध के ये बात करें, कोई चीफ मिनिस्टर लग जाए, ये बात कोई ऐसा हो जाए कि वो जरदारी साहब के भाई बन जाए, वो आ रहे इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद से मुल्क के कमिंग प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। आपका कराची, लाड़काना, नवाबशाह, आपका केपी के पेशावर। ओके जी, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, समा टीवी पे जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे। सो जो ये जो चामक गोइयां चल रही थी कि शहबाज शरीफ की टीम अलग है, नवाज शरीफ की टीम अलग है, इसमें भी मैं वजाहत कर दूं, इसमें कोई नहीं है, दोनों भाई एक है। पहली बात यह की शहबाज शरीफ का लीडर भी नवाज शरीफ है। अच्छा। मेरा लीडर भी नवाज शरीफ है। सही, मैंने पहला लफ्ज इस्तेमाल किया उनकी आशीर्वाद से। जो छोटा भाई है वो इंशाल्लाह ताला अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे आ गया है। छोटा भाई कारकर्दगी, कारकर्दगी ना करे ना, ट्रांसपोर्ट हमारे पास है सर, एजुकेशन हमारे पास है। अंदर चलते हंड्रेड परसेंट इस पे मैं अग्री हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब ने सर्व किया जी, उस पर हम मान बिल्कुल, चाहे वो कराची वाला हो, चाहे वो लाहौर वाला हो, चाहे वो पिंडी वाला, वो इस पे अग्री करता है, तो उनकी सर्विंग बहुत अच्छी है। पर सर मुझे एक चीज़ बताएं, इतना बड़ा भी हादसा कसूर बाकी का गुजरा, आप बैठ के तालियाँ बजवा रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा किरदार है, आपको हम जरा ऊँची जगह पर देखते हैं, ठीक है? आपका अगर चीफ मिनिस्टर बैठ के वहाँ उसका माइक बंद कर रहा हो, सवाल तो उठेगा ना। वो उसका बैकग्राउंड ही कुछ और था माइक बंद करने का। सर क्या बैकग्राउंड हो सकता है? माइक उस उन्होंने उनके लिए बंद नहीं किया, लोग बार बार जब क्वेश्चन कर रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब को, तो उन्होंने उसको ऑफ किया कि भाई मैं इनकी बात का जवाब पहले दे देता हूँ, फिर आगे चलेंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं। सर यहाँ आपकी बात को रोक के आगे बढ़ूंगी, आयशा गुलालाई हो या रेहम खान हो, जब वो पर्सनल लाइफ पर आते हैं आप उनका साथ खड़े हो जाते हैं, वो भी तो इमरान खान की पर्सनल लाइफ होती है, बड़ी अच्छी बात। फिर क्यों आप किसी की पर्सनल लाइफ में? मैं एक और बात, तो हम पॉलिटिशियन हैं, मैं 2013 में इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मेरी पूरी कैंपेन उठा के देख ले, हम किसी जगह के ऊपर ना शेख रशीद को मैंने दो दफा अल्लाह के फजल करम से मैंने यहाँ शिकस्त दी है, उनकी जमानतें दोनों दफा जब्त हुई हैं मेरे इलेक्शन, मैंने कभी उनकी पर्सनल लाइफ पर नहीं गया था मैं इमरान खान की पूरी 2013 में। लेकिन जब इमरान खान ने मतलब कि लोगों को भी बदतमीज कर दिया और हमें भी मजबूर कर दिया, हम पॉलिटिशियन है, फिर मैं कह रहा हूँ लेकिन हमें को अगर बुरा भला कहेगा, कभी पर्सनलाइज होके नहीं बोला। नहीं 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 नहीं, इससे ज्यादा पर्सनलाइज, ही नेवर पर्सनलाइज। नहीं नहीं नहीं, देखिए उसने ना किसी की मां की बीवियां क्या है, तो उनकी मांएं कहां हैं, उससे कभी नहीं इस चीज पे बात। उसका एक और तरीका कार होता है, अगर उनकी बीवियों पे या मांओं पे जिक्र नहीं आया तो वो इसलिए नहीं आया कि उन्होंने कभी उन चीजों को पब्लिक नहीं किया। जब मैं पब्लिक करूंगा, बड़ा मैं कोशिश करूंगा कि खुद ब्रेकिंग न्यूज दे दूं
और खुद ब्रेकिंग न्यूज बनूंगा, तो पॉलिटिशियन का ब्रेकिंग न्यूज बनना ये बड़ा जरूरी हो जाता है, इसलिए कि वो पब्लिक फिगर होता है, वो ये नहीं होता कि उसकी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी वो करता रहे और उसको कुछ कहे ना, कोई कुछ ना कोई कुछ ना कहे, ये मुमकिन नहीं। अगर आप कुछ ना कहें ये तो हो ही नहीं, ये हो इसलिए नहीं सकता कि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियन जैसा मुंह होगा वैसा ही आगे से। मुझे लगता है कि अब नून लीग की जो सियासत है वो इस वक्त पूरी इमरान खान के गिर्द घूमना शुरू हो गई है। हर अटैक इमरान खान, हर जुमले इमरान खान, हर चीज़ इमरान खान। मुझे लगता है इमरान खान के अलावा दुनिया में कुछ नहीं रह गया और इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं। वाई नहीं, ये बात गलत है। देखिए ना, जिस तरीके से गवर्नमेंट को, नून लीग को टारगेट किया गया और सब झूठ निकलता गया, झूठ निकलता गया। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को करप्शन नहीं है, कामे की बुनियाद पर निकाला गया है। आप लोग कभी अपना मुहासबा करते हैं कि यहाँ ये बंदा गलत है, कभी एज अ टीम आप लोग बैठते हैं? करते हैं सारे, मैं अपनी जात का करता हूँ, हमारी लीडरशिप अपना करती है। कितनी दफा आप सर इक्तदार में आइए जरा नून लीग में, मुझे सिर्फ कितनी दफा आई? 18 महीने, 15 महीने, दो दफा। सर अब तो 18 का इलेक्शन करीब ही आ गया ना, पूरे 5 साल ही हो गए। देख रहे कारकर्दगी देखे ना, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मुल्क को अच्छा 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 भी बयान करें। अच्छा क्या हुआ, लोडशेडिंग खत्म हुई है, ट्रांसपोर्ट मिल चुकी है पंजाब के लोगों को, बिल्कुल मिली। मुल्तान हो, लाहौर हो, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची की बारी आनी है। सर कराची की बारी फिर वही देखना, लोगों को बताएं कि 18वीं तरमीम के बाद ट्रांसपोर्ट सूबे ने देनी है। ट्रांसपोर्ट जी सूबे ने देनी है, लेकिन सूबे को जो फंड्स है ना वो वफाक ने देने, और वो वफाक ने दे दिए, दे दिए। और वो पहली, अगर आपके प्रोग्राम के जरिए कहता हूँ, फिर सीएम साहब आप भी मुझसे मिलने जरा आके बताएं वो पैसे गए कहां, क्योंकि मेरा मेयर कराची का वो कह रहे जी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, फंड्स देंगे तो हम कोई काम करेंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक, और मैं ये आपके कैमरे के जरिए कह रहा हूँ, सिंध को पंजाब वालों ने अपने हिस्से से ज्यादा दिया। अच्छा, और वो पैसा सारे का सारा हर बंदे रिकॉर्डेड आप लोग, यस। अब केपीके का जो फंड मिला उनको हर साल 70% वापस गया, वो खर्च ही नहीं कर सकते। आप रावलपिंडी आज देखेंगे ना, कितने से बाद आप रावलपिंडी आई हैं, तो बस यही से चलते हैं ना सर। जब आप देखेंगे रावलपिंडी, मैं कहता हूं सर उठे ना चले, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी की बातें हम करते हैं गाड़ी में। जनाब आए जी, जनाब मेरे कॉलेज के हवाले से भी कुछ जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा गाड़ी के अंदर, आ जाइए। अब जरा थोड़ी सी पर्सनल सी बातें भी हो जाती है ना, होनी चाहिए थोड़ी प्यार भरी, मोहब्बत भरी। मेडिसिन से सर आपका ताल्लुक रहा जी, क्रिकेट आपका फेवरेट रहा, क्रिकेट आपने प्रोफेशनली खेली या बस शौकिया कॉलेज की हद तक की बस? नहीं, मैं कॉलेज में, एफसी कॉलेज में पढ़ता था मैं। हाँ। लाहौर में मैं पैदा हुआ, लाहौर में मैंने एजुकेशन स्कूल की भी और कॉलेज की भी। हाँ। दोनों हासिल की वहाँ, तो वहाँ एफसी कॉलेज में मैं खेला करता था। जी, तो क्या था, कौन सी पोजीशन पे खेलते थे? मैं ना, मुझे खेलना कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मुझे लोग ना क्रिकेट का माजिद खान कहते थे। अच्छा। और फुटबॉल का जीको कहते थे। ओए, होए, होए। और हॉकी का शहनाज शेख कहते थे। प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं आया तो मैंने एक्चुअली, मैं बचपन से एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे था। अच्छा। मैंने 77 की मूवमेंट में, मैं तकरीबन 14 साल का था। अच्छा। तो हमने वहाँ पे उसमें, उस मूवमेंट में हिस्सा लिया। फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ में मैं अपनी यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तो इस तरीके से बस चलता रहा। तो फिर मैं पिंडी 91 में आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया था, मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग में चला गया 2002 के अंदर। सही। 2002 में अब मेरी फार्मास्यूटिकल का यूनिट है। ओके। जो मैं चला रहा हूँ। दबंग तरीके से क्या कहते हैं मैच डाला दोनों दफा रावलपिंडी के लोगों ने। हाँ। मुझे 80,000 वोट दिए और शेख साहब को 9,000 वोट दिए। आपके लिए शहर कौन सा आपका अजीज है, लाहौर या फिर पिंडी? नहीं, पिंडी, रावलपिंडी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी। पर्सनल हनीफ अब्बासी को कोई नहीं जानता कि हनीफ अब्बासी अंदर से क्या चाहता है, हनीफ अब्बासी कैसा है। ये जो कुछ मैं नजर आता हूँ ना कि बहुत जनाब रोब दबदबे वाला, ये वो फला, ये मैं नहीं हूँ। वो मुझे मिलके आपसे आइडिया होगा, ये आपको आइडिया हो गया होगा। मैं अंदर से बिल्कुल इतना सा हूँ, मेरे पास जब आके मेरे घर में आप देखें, जैसे लोग अभी बैठे हुए थे, तकरीबन डेली इसी तरह लोग आते हैं। आपको नहीं लगता कि सानिया कसूर में, अगर हम 250 बच्चों वाला जब केस हमारा सामने आया था 2.5 साल पहले, अगर हम उस वक्त एक प्रॉपर एक्शन लेते और उस वक्त के जो सजा वाले हमने पकड़े गए लोग, अगर उनको सही मायनों में सजा मिलती तो ये ना होता। हमने तालियां जरूर भिजवाई उनके लिए जिन्होंने ये काम किया। ये बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए,
उनको ढूंढ ढूंढ के जो बच्ची है वहाँ पे 7 से 8 बच्चियों के नाम आ रहे हैं। बिल्कुल। उस वक्त के जितने पुलिस अफसरान हैं सर, वो जो हैं कातिल पकड़ के उन्होंने मार भी दिए। वो कौन बेचारे मरे? वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं ये बात जो आपसे कह रहे हैं, उन पुलिस अफसरान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। सर मैं मानती हूँ कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नून लीग से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या रीजन रहा कि जब पिंडी का भी रहा जलसा, फिर इसके बाद अभी आप लोगों ने यहाँ के जलसा किया, उस तरह का कैटर नहीं कर सके आप लोग मजमा? फैजाबाद से 4 बजे इन हुए और 2:30 बजे रात को वो सदर पहुँचे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हनीफ अब्बासी, ये इस्तकबाल जो आज पिंडी के लोगों ने किया, मैंने पिंडी में पिछले 30 साल में नहीं देखा। ना अहल करार देने के बाद उनको आज तक नहीं पता चला कि उन्हें क्यों निकाला गया। आपको पता चल गया कि उनको अकामे पे निकाला गया, उनको ये बात नहीं पता अभी तक। अब वो एक ना अहल वजीर आजम है और जो कि अब उस नशिस्त पे भी नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे जो उनके जो जलसे होते हैं उनमें जो खर्चा है वो हुकूमत की तरफ से क्यों हो रहा है? सर लोगों को बताएं कि ये गलत हुआ है, 1.5 करोड़ वोट लेने वाला इस तरह नहीं जाता। उसके ऊपर कोई करप्शन आप साबित करते, कहते हैं कि मेट्रो पिंडी इस्लामाबाद से कमीशन ली है, लाहौर से ली है, पावर प्लांट से ली है, ये उसके एविडेंस है, नहीं कुछ नहीं निकला। और इस वक्त अगर आप लोगों का देखें ना, पहले दूसरा सवाल का जवाब ये है कि उनके जलसों के अंदर एक पैनी हुकूमत की खर्च नहीं हो रही, एक पैनी कोर्ट मोमन में एक पैनी साबित कर दें। मैं आपको कह रहा हूँ ना, उनके भी आप पे, आप हमें जड़ावाला में एक पैनी साबित कर दें, आप हमें हरिपुर में एक पैनी साबित कर दें, सजा का तयन आपने करना है। हाँ। उसको इम्प्लीमेंट मैंने करा। जिन अदालतों को आप कह रहे हैं कि जिन ये अदालतों के हकूक नहीं थे, अदालतों के पास ये वो नहीं था कि वो 1.5 करोड़ अवाम के जो वोट लेने के बाद उसको ना अहल करार देते, फिर उन्हीं अदालतों के पास आप दूसरों की दरख्वास्तें लेके जाते, तो फिर अदालतों पे कैसे आप? देखिए मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ, जाना इन्हीं अदालतों के पास है, इन्हीं अदालतों की अपना जो है ट्रायल कोर्ट, उसमें मियां नवाशिम नहीं खड़े। मैं कहता हूँ एक गुनाहगार जो है वो भी कहता है फैसला गलत है, बिल्कुल। तो हम तो गुनाहगार थे ही नहीं, तो हमने फैसले के बाद बात की है। और अब वो फैसला जो है लोग क्या कर रहे हैं, आप देखिए ना, लाखों लोग जलसों में जा रहे हैं, कोई उनको गाड़ियां नहीं भेजी जाती। अच्छा जी, तो फिर फाइनली हम लोग वहां आ चुके हैं जहां हमने पहुंचना था, लेकिन ये पाग आपको देखना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, ताकि थोड़ी सी तो क्यूरियोसिटी आपके अंदर भी रहे। तो जल्दी से जाइए, मज़ेदार किस्म की चाय बनाइए, हनीफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं और ज़बरदस्त गर्म जोशी वाली गपशप जारी है। हमारी रावलपिंडी इस्लामाबाद की मेट्रो को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं आप, हर जगह को आप इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। ये शहबाज शरीफ है, 98% जो है वो इलाज फ्री हो रहा है। जो कुछ पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज हैं, खेल के मैदान हैं, ये सारे हम इंशाल्लाह वहाँ मिलेंगे। फाइनली हम उस पार्क में आ गए जिसका बहुत देर से हम जिक्र सुन रहे थे। मैं कहती हूँ कि पंजाब में जो फूल और जो ग्रीनरी है वो तो कहीं भी आपको नहीं मिल पाती है, तो ये तो जनाब आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हमने अब हर प्रोजेक्ट के अंदर 1% जो है ना, अगर 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, जैसे मेट्रो 45 बिलियन की थी, 45 करोड़ रुपया हमने हॉर्टिकल्चर के लिए रखा था। मैं अभी कह रहा हूँ कि पिंडी में 80 बिलियन लगे, 80 अरब रुपया, पहले उसका हिसाब लगा, उसका हिसाब तो ले ले, उसका हिसाब ले ले। 45 मिलियन की मेट्रो, सही, 3 अरब रुपए का यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी, 4 अरब रुपए का यूरोलॉजी, आपकी 2 अरब रुपए की हमारी रोड्स कम अज कम, ठीक है जी, ठीक है, 2 हमारे फ्लाईओवर्स 4.5 अरब रुपए के। मुझे बताएं, जब मुल्तान की मेट्रो पे बात आई तो चीन की कंपनी ने अपनी कंपनी को सू कर दिया, ठीक है, साइड पे कर दिया, यहाँ आप लोगों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। यहाँ पे मुल्तान मेट्रो का उस अपना चीन वाले उस इशू का मुल्तान मेट्रो से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। जो कंट्रेक्टर्स मौजूद हैं उनको जाके आप इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, हमारी रावलपिंडी इस्लामाबाद की मेट्रो को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं आप। यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है कि वो एक पैनी अपने पेट में डाल सके, और अल्लाह ताला के फजल से उसकी शबाना रोज मेहनत शामिल है इस पूरे पंजाब को बनाने में। और अब तो जो अंधेरे खत्म हो रहे हैं, उजालों में पाकिस्तान जा रहा है, उसमें भी शहबाज शरीफ का किरदार है, तो उसने पावर प्लांट्स वो पंजाब के अंदर लगाए जिसके अंदर इस वक्त 9,000 मेगावाट। आपको लगता है इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो वफाक में बैठ के फिर सिंध के लोगों के ऊपर भी उतना ही नजर रखेंगे जितना वो पूरे पंजाब में? जब हम नवाशी के विजन को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपका कराची, आपका पिशावर, आपका कोयटा, मैं कहता हूँ
आप लाहौर में सोने की सड़क बना दें, पिंडी में चांदी की बना दें, लेकिन उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर वो नहीं पड़ता। ठीक है, लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन जब कराची अपलिफ्ट होगा तो फिर जो उसकी इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है वो इंशाल्लाह आसमान को छुएगी। और यही काम करने के लिए हम इंशाल्लाह अगले 5 सालों के लिए भी आ रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है। चले जी, मेरा ख्याल है कि फिर कराची वाले खुश हो जाएंगे। कराची में पानी भी आने वाला है, लाइट भी आने वाली है, रोड भी बनने वाली है, और आपका कूड़ा क्रिकेट भी उठने वाला है, और कराची ग्रीन भी होने वाला है इंशाल्लाह ताला। ये बिल्कुल 25 सितंबर 2012 में इसका इफ्तिताह शहबाज शरीफ साहब ने किया, तो मेरे ख्याल 6 साल हो गए अंदर, 6 साल माशाल्लाह से, और नीट एंड क्लीन है। मजे की बात है, साफ सुथरा है, वरना हॉस्पिटल्स में कदम रखते हुए आपको जो स्मेल है खास होती है आपको पूरे, अभी आप हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुई, लेकिन आपको हॉस्पिटल के अंदर जब आप दाखिल होंगी आपको हॉस्पिटल की स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, लाइक 7-star 5-star होटल मेन मॉडल है वो ये है कि पैसे वाला पैसे दे के जाएगा, गरीब आदमी मुफ्त करवाएगा इलाज। कार्डिक जितने हॉस्पिटल हैं जी, उन सब की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। 3.5 अरब रुपया जो है इसके ऊपर लागत आई थी। ये इमरजेंसी जनाब, और वाकई देखा जाए तो आप नॉर्मल इमरजेंसी में जाते हैं, बहुत गंदगी होती है यहाँ, सफाई के खास और मुसलसल डिफरेंट वो रखे हैं, जैसे बाहर मुल्कों में भी होता है कि ड्राई गार्बेज आपने कहाँ डालना है और लिक्विड गैबेज कहाँ डालना, तो ये सारी चीजें इन छोटी छोटी चीजें रखा गया है। आज कितनी अभी तक पेशेंट आए? 90 पेशेंट। या अल्लाह, हम लोग इतने बीमार क्यों रहे? खुदा रहा, लोगों अपने सेहत का ख्याल करो। मैं तो, मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ हमारे घर, हमारे मुल्क के यतीम खाने और हमारे मुल्क के जितने भी हॉस्पिटल है वो खाली हो जाए, वो ज्यादा अच्छा नहीं है सर जी? बिल्कुल। सलामकुम डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं कि इस तरह का हॉस्पिटल आपके पास होना और फिर जिस तरह की सहूलियात आप लोगों को दी गई हैं, तो ये एक, इसको आप किस लेवल पे देख रहे हैं? देखिए, आई थिंक गवर्नमेंट लेवल पे तो ये हॉस्पिटल जो है, आई थिंक द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, मतलब सारी फैसिलिटीज़ यू कैन इमेजिन रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी, क्योंकि एवरी फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल। यहाँ पर 95% 98% जो हैं वो इलाज फ्री हो रहा है। वो जो एक हमारे कॉन्सेप्ट हमेशा से था कि जब आप इमरजेंसी में इन होते थे, हरी साहब आप भी इस बात को मानेंगे, जय जी पहले पर्ची कटाएं, पहले ये करें, पहले वो करें, तो यहाँ एटलीस्ट इस हॉस्पिटल में आके ये खत्म होगा, तो पहले आप इंसान को देखेंगे कि उसको हमने बचाना कैसे। सबसे पहले पेशेंट आता है, उसके बाद बाकी सारी बाकी की फॉर्मेलिटीज जो है वो बाद में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जनाब, ये तो है इमरजेंसी जिसको हमने अभी देखा, घुमा, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर जिब्रान से भी हमने बात करी। मैं ये समझूं कि अगर वजीर आजम बनते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो ये है RIC रावलपिंडी का हॉस्पिटल, फिर सिंध का हॉस्पिटल भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, उसी तरह होगा जैसे भावलपुर में हमने 400 बेड का बनाया, और इंशाल्लाह फिर कराची, सिंध, कराची जितने भी शहर है, पूरा KPK, पूरा बलोचिस्तान, हम आपको इसी तरह देंगे इंशाल्लाह करके देंगे। यहाँ चीजों को आउटसोर्स किया गया है, ये सफाई सुथराई करने वाले हमारे मुलाजमीन नहीं है, बिल्कुल ये कंपनी हायर की गई। अच्छा, वो इसको साफ सुथरा करती है। सही, अभी मैं आपको जो चीज दिखाने लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे ये VVIP हमारे वो लोग हैं, ये एरिया उन लोगों के लिए है, जैसे कोई बिजनेसमैन है वो आता है तो वो पे करेगा, उसको ये कमरा मिलेगा। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज को अगर मुझे इंजॉय करना हो तो मुझे कुछ दिल का मरीज बन कर आना पड़ेगा, या बाकी के सारे हॉस्पिटल्स को भी ऐसा कर देंगे? मैं आपको बता दूं, शायद पंजाब की छोटी सी 400 बेड का बहावलपुर का हॉस्पिटल भी इसी लेवल का है। अच्छा, तैयब अर्दगान हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ भी इसी लेवल का है। सही, सदरा का 250 बेड का भी इसी लेवल का है, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो मैं आपको अभी 1000 जो बेड का है, फैसलाबाद के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल वो भी, फिर किडनी हॉस्पिटल मुल्तान वो भी इसी लेवल के हैं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर जो भी आएगा इस कमरे में रहेगा, इस कमरे में रहेगा नवाज शरीफ साहब, यहीं पे इसी कमरे के अंदर, सुन ले, इसी कमरे के अंदर, इसी कमरे के अंदर हमारी पूरी कैबिनेट, इसी में इशाक डार साहब को स्टैंड डाला था, हमने यहाँ पे लोगों को इलाज व सहूलियात दी है, अगर इससे रिलेटेड लीडरशिप में कोई मसला होता है तो वो यही आता।
पर अब आप बताएं हम नेक्स्ट कहां जाएं। मैं अब आपको ना अपने 11 ग्राउंड्स में से सिर्फ एक ग्राउंड दिखाने लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे एक इस वक्त एक क्वार्टर फाइनल चल रहा है यूनियन काउंसिल का। आप आ चुके हैं यहाँ और ये आपको बता दूं कि जी कॉलेज है, कॉलेज का स्टेडियम है जहाँ मैच है और मैच देखने आए हैं हम। आप देखिए ना, ये हमारी यूनियन काउंसिल की टीम है, हमारे तीन कप होते हैं, एक शबाशिम साहब के नाम का होता है और एक मेरे नाम का और एक मेयर कप। अच्छा। ये तीन हम साल में इवेंट करवाते हैं जिसमें हम जो फाइनेंशियल मतलब के जितनी भी जरूरियात है वो हम सेल्फ फाइनेंस से पूरी करते हैं। सही। और ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री में है कि आप यूनियन काउंसिल की टीम है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं बनती और यूके में भी नहीं बनती, और इंशाल्लाह ताला आने वाले 5 साल कराची को वालों को भी खुशखबरी दे दें, केपीके वालों को भी दे दें और बलोचिस्तान वालों को भी। हम इंशाल्लाह ताला यही जो कुछ पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज हैं, खेल के मैदान हैं, ये सारे हम इंशाल्लाह वहाँ भी बनाएंगे। सर आपको लगता है कि फिर इन ग्राउंड से भी हम को निकाल पाएंगे? देखिए मैं जब हमारे यहाँ बड़े अच्छे पास आए, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हमारे यहाँ पैदा हुए, पीसीबी में बैठे हैं जो अपनी मर्जी की सिलेक्शन करते हैं, उनका क्या करेंगे सर? उनको ऊपर भी थोड़ी सी डंडे चलाएं? नहीं, वो डंडा चलेगा और उनको सिलेक्शन जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। इस वक्त जो पाकिस्तानी टीम की हालत है क्रिकेट टीम की, वो मेरा ख्याल है मेरे इस मेयर कप में खेलने वाली जो टीम है अगर इसको भेजते तो शायद एक आध वो T20 में थोड़ी सी गैरत आई सर, हम दोबारा से आई है, ऐसी गैरत चाहिए नहीं ना जो कभी कभी जाके अगर किसी उसके स्कूल और कॉलेज के अंदर इतना खूबसूरत पवेलियन अगर सादिया नजर आए उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। स्कूल बड़े का मुकाबला नहीं कर सकते उनके, उनके जो बड़े स्टेडियम हैं उनका उस इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जो स्कूल और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अगर आप देखें तो वो आपको इसमें नजर नहीं आएगा। बाकी शहरों में क्यों नहीं दिखता ये, कहाँ? ये उनसे पूछे ना सादिया, आप तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी है, समझदार है, तो वफाक का जो काम है वो हम कर रहे हैं, वफाक का जो काम है वो हम कर रहे हैं। हीरो साहब क्या हाल है? भाई शख्स है जिनको पूरी दुनिया सर उठा के देखती है, मोहम्मद वसीम हमारे टेस्ट ओपनर। सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? वसीम साहब इनके आगे मैं चींटी बराबर लग रही हूँ। मुझे अनिल साहब के साथ वाली फ्रेम में रखिएगा प्लीज। तो हमारे पास सिर्फ यही एक असासा नहीं है, वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। आपको कैसा लगता है वसीम, जब सो यंग, दोनों यंग प्लेयर्स मेरे साथ मौजूद है, इस तरह के ग्राउंड्स देखते हैं, इस तरह के इवेंट्स देखते हैं या जब मैचेस होते हुए देखते हैं, तो हम क्या लगता है कि यहाँ से निकल कर आएंगे अगला वसीम, अगला इरफान, अगला शोएब अख्तर, ऐसे लोग निकल कर आएंगे यहाँ से? देखिए जब हम यंग थे उन दिनों में यही ग्राउंड जो हालत थी, आप क्यों खुद को बूढ़ा कह रहे हैं? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट 20 इयर्स कि उस टाइम यही ग्राउंड थे जहाँ हम खेलते थे, पत्थर होते थे यहाँ पे। ग्राउंड की जितनी फैसिलिटीज आप रावलपिंडी शहर के अंदर बन गई हैं, क्योंकि शुरू में आपको याद होगा कि क्रिकेट वाज ऑल अबाउट लाहौर एंड कराची, क्योंकि वहाँ भी फैसिलिटीज थी, वहीं से प्लेयर्स आते थे, फिर वो ट्रेंड टूटा, रावलपिंडी से प्लेयर्स आए, पिशावर से काफ़ी प्लेयर्स आए, तो जो चीज़ मिसिंग थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, को क्रिकेट बोर्ड ने भी कोशिश की लेकिन उस तरह की मतलब उनकी मेहनत रंग नहीं लाई। कुछ ऐसे ही सवाल हम इरफान से भी करते हैं, जिस तरह बासी भाई ये ग्राउंडों को आबाद कर रहे हैं, मैंने पहले भी आया था उस टाइम ये ग्राउंड बन रहा था, तो अब देख के बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह के टूर्नामेंट हो रहे हैं, यूसी लेवल पे हो रहे हैं। सही। हर चीज़ खुद ही अपने पॉकेट मनी से ही दे रहे हैं, तो ये जितने भी लोग हैं, जितने भी खेलने वाले प्लेयर हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आके इधर परफॉर्म करें, इससे कोई मोहम्मद इरफान निकलेगा, मोहम्मद वसीम निकलेगा, जवेद मियांदाद, वसीम अकरम, यहाँ से ही बन के सारे प्लेयर आएंगे। पीएसएल में आपको हम कहाँ देखेंगे? आने वाले पीएसएल में आप मुल्तान सुल्तान में देखेंगे, सुल्तान तो इंशाल्लाह देखेंगे, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। जब आप किसी बड़ी टीम के साथ खेल रहे होते हैं तो वहाँ जाके शेकी क्यों हो जाते हैं? इंडिया के साथ बड़ा जोश होता है, न्यूजीलैंड के साथ वाई हमारा ऐसा रहा? T20 में आई थोड़ी सी गैरत, लेकिन ये समझने की आपको क्या लगता है क्या रीज़न था? हार जीत है मैच में होती है, इससे पहले वनडे सीरीज पाकिस्तान हार गई थी, लेकिन T20 बड़ा अच्छा खेले हैं, आए आगे तो मैच में होता है, आगे पीछे कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, नए लड़के आए हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है कि मतलब पाकिस्तान की टीम T20 जीती है, तो इससे और आगे प्लेयर जितने हैं इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, अप्रिशिएट तो हम बिल्कुल करते हैं, क्योंकि जी वो टीम हमारी पहचान है एक्चुअली। देखिए हार जीत एक अलग इशू है,
लेकिन हारना भी और इतने गंदे बुरे तरीके से हारना, ऐसे कम से कम पाकिस्तान की हॉकी टीम या क्रिकेट टीम जब अपने अरूज पे हुआ करती तो हारा उस वक्त भी हम करते थे जी, लेकिन किसी कहीं दो एक से हार गए, कभी दो रन से हार गए, इस तरीके से हार। तो अब ये जो कुछ होता है टुल्ला लग गया तो लग गया, अब बैट्समैन को देखें, मैं बैट्समैन नहीं हूँ, वसीम से पूछें, देखिए एक ऐसा मौका आता है जिसपे पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है, वो क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच, और उसका जो हम अशर कर रहे हैं वो बुरा अशर कर रहे हैं, इसलिए कि पीसीबी हमेशा कद्दाफी स्टेडियम के अंदर महदूद रही है। वैसे भी अब हमारे मुल्क में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बहुत बेहतरी आ चुकी है, हम सब एक हो चुके हैं, आगे कहते हैं ये बड़ा अच्छा साइन है, तो इस चीज को आगे लेके चलना चाहिए और जब जब खेलें अपनी फुल फॉर्म के साथ खेलें और अल्लाह आपको हर बुरी नजर से बचा के रखे, किसी भी इंजरी के शिकार ना हो आप, और हम हार को भी वेलकम करते हैं लेकिन हार भी ऐसी हो कि जिसमें हमारे सीने चौड़े हो कि हम कहें कि हारे भी हैं तो शेरों की तरह हारे हैं, हम कुचुओं की तरह दुबक के नहीं हारे, हम वो 60 रन पे आउट नहीं हुए 70 रन, ये वाली हार देखें बासी साहब भी मेरे वाले हैं क्योंकि मैं अपनी रिकॉर्डिंग से डेट्स नहीं देती जब क्रिकेट का मैच होता है। तो ये है मोहब्बत हमारे मुल्क की टीम से हमारी और क्रिकेट के साथ, तो प्लीज हम भी यही चाहते हैं। तो चलते जनाब भाई साहब, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम आपको लेके जाएंगे मेट्रो स्टेशन पे। तो जनाब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं मेट्रो स्टेशन पे और मजेदार बातें वहाँ होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अगर ये टोकन आपके पास नहीं तो आप जब जिस स्टेशन पे उतरे आप निकल भी नहीं सकते, डांट पिटाई भी चल रही है साथ साथ, कितनी मजे की बात है, ऐसे ही होना चाहिए आदमी को। बेगम ने आप कहेंगे आपके तारीफ ज्यादा कर गया हूँ, लेकिन उसके हाथ का खाना जो है वो बहुत मजेदार है। सही। हम लोग इस वक्त हैं मेट्रो स्टेशन पे और मैं पहली दफा यहाँ सफर करूँगी मेट्रो पे, एंड अच्छा लग रहा है क्योंकि अब यहाँ ये सोच के भी अच्छा लग रहा है सर कि ख़वातीन ख़ास तौर पे यहाँ बेफिक्र होके कि जहाँ भाई या बाप की एक ड्यूटी होती थी सुबह छोड़ कर आना और छोड़ कर आना, अब वो सुकून से अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। अभी आप देखिए एरिड यूनिवर्सिटी है साथ, बिल्कुल यहाँ बच्चियाँ आती हैं, ये 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं जी, बिल्कुल वो भी यहीं पर आती हैं, बिल्कुल, और जो बच्ची हैं जैसे अभी आपने कहा किसी को बाप छोड़ने जाता था, किसी को बेटा छोड़ने जाता था, तो वो सारी चीज़ें जो है आप इस मेट्रो ने जो है उसको माशाल्लाह जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया उस कॉन्सेप्ट को। सही। और बेहतरीन तरीके से वो लोग इज्जत के साथ और हिफाजत के साथ वो सफ़र कर रहे हैं इस पे। अच्छा। और वो सब्सिडी जो 40 रुपए है वो सीधा उनकी जेब में जा रही है। अच्छा। आम आदमी की, आम आदमी की। हाँ वो कैसे कैसे कि जैसे वो 60 रुपए की वो लेता था जी टिकट, तो अब वो ले रहा है 20 रुपए की टिकट जी। अब जब वो 20 रुपए की टिकट ले रहा है तो वो 40 रुपए जो खर्च करता था वो अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा है अब घर। नहीं समझी बात अभी भी? नहीं समझाएं दोबारा। 60 रुपए में वो इस्लामाबाद जाता था, अब 20 रुपए में इस्लामाबाद जाता है। हाँ। तो वो जो 40 रुपए जाने के और 40 रुपए आने के 80 रुपए बने जी। तकरीबन 3,000 रुपया जो है वो महीने का बचत कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। अच्छा। हाँ उसके अंदर इसके लिए ये टोकन लेना, टोकन होना बड़ा जरूरी है। आओ बताइए जनाब, ये टोकन इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये टोकन आपके पास नहीं तो आप जब जिस स्टेशन पे उतरे आप निकल भी नहीं सकते, डांट पिटाई भी चल रही है साथ साथ, कितनी मजे की बात है, ऐसे ही होना चाहिए आदमी को। ये विजन एक्चुअल किसका है? प्रदर्शी साहब ने ये वाक्या मुझे सुनाया कि जब मियां नवाशी साहब एग्जाइल में थे तो वहाँ पे मेट्रो पे जा रहे थे, एस्केलेटर पे थे, तो मुझे प्रदर्शी ने कहा कि मेरे कंधे पे हाथ रख के नवाशी साहब ने कहा कि यार परवेज वो दिन कब आएगा जब हम अपनी ये वाली फैसिलिटीज़ हम अपने लोगों को देंगे। तो वो दिन उस दिन आया जिस दिन फिर मेट्रो पे हमने इसकी इफ्तिताह किया, इसकी इनॉग्रेशन की, और वहीं पे नवाशिफ साहब के सामने मैंने उनका वो वाक्या जो है उसको, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो है वो शबाशिफ साहब ने किया। 54 पटिशन्स हमारे खिलाफ हुई थी, 54 पटिशन्स, सिंगल स्टे नहीं हुआ, हमने मज़ार, हमने ग्रेवयार्ड, ये सब हमने जो है ये शिफ्ट किए।
तो ये सारे का सारा जो है क्रेडिट जो है उन लोगों को जाता है जो इसके पीछे खड़े थे, और वो हमारी लीडरशिप थी, उनका विजन था जिसको हमने अल्लाह के फजल करम से इम्प्लीमेंट किए। और फिर इसके बनने से नीचे इस वक्त आपके लोड बड़ा कम हुआ, बहुत कम हो गया। 155,000 लोग डेली सफर कर रहे हैं। तो ये स्टेशन जो है ये दुनिया के खूबसूरत तरीन स्टेशन है, दुनिया के। अच्छा, एक और बात, आप माशाल्लाह पूरा यूरोप विजिट किया हुआ, आपको यहाँ पे ना गार्बेज नजर आएगा, ना वॉल चॉकिंग नजर आएगी, ना डस्ट नजर आएगी। तो ये खूबी हमारी है ना, इसको बयान करने दे। अच्छा जी, हाँ ये हमारा ये क्रेडिट हमें जाता है, ये तो हमें करने दे ना, इसको तो बयान कर। सारे क्रेडिट अपनी जगह, लेकिन जिन मुल्कों की बात हनीफ साहब कर रहे हैं उन मुल्कों में बेसिक फैसिलिटीज हर शहरी के पास है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ मेट्रो बन गई है, वहाँ सड़कें बन गई हैं, वहाँ हर चीज बन गई है, पानी, गैस और बिजली के लिए आज भी शहरी रो रहा है। और हम बात करते हैं कि जी वहाँ वो है और वहाँ यहाँ नहीं है। जब आपको मैंने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी विजिट करवाया, सही, जब मैंने अपना पार्क विजिट करवाया, जब आपने खेल का मैदान विजिट करवाया, उसके बाद मैं अपने को मेट्रो पे लेके आया। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, जो कमी कोताही है वो वक्त के साथ साथ उसको दूर करते रहेंगे। एंड दैट्स ग्रेट कि आप अपनी कमियों को भी माने, अपनी कोताहियों को भी माने और उनको फिर ठीक करने की भी कोशिश करें। तो मुझे ऐसा लगता है जनाब कि माशाल्लाह से इतना रश है इस वक्त, तो हम ऐसे कर दें कि सोचें मेरे साथ हनीफ अब्बासी साहब मौजूद है और हम मेट्रो पे नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, हम अपनी गाड़ी में ही चलते हैं। लेकिन जो मकसद था हमारे यहाँ तक आने का, इस जगह को देखने का, वो यकीनन पूरा हुआ और बहुत हद तक हनीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुँचा होगा। कुछ हमारे जो सवाल थे वो हमने इनसे पूछे, वो आप तक पहुँचेंगे। तो चलते हैं जनाब, जरा वापसी का सफर करते हैं, इसी टोकन को वापस इस्तेमाल करते हैं। आ जाइए, जनाब हम आगे हैं मेट्रो से वापस हनीफ अब्बासी साहब के घर पे, और लोग यहाँ तो पूरी तैयारियाँ मौजूद हैं। है सर, थैंक यू सो मच, जो खाना इस वक्त लगा हुआ है ये भाभी के हाथ का है, क्योंकि मिसेज ने बनाया था। जब मैं जा रही थी तब वो बता रही थी कि साथी मैं चाइनीज़ बना रही हूँ, तो मैं कहूँ वेरी नाइस। तो ये है सर, इसे खाने में कैसे, किस तरह की चीज़ें पसंद है आपको? खाने में जो मिल जाए अच्छा बना हुआ, क्योंकि मेरी वालदा बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, तो बेगम को टेंशन नहीं थी, उसको फिर माँ की याद नहीं आई। लेकिन बेगम ने, आप मैं कहेंगे आपके तारीफ ज्यादा कर गया हूँ, लेकिन उसके हाथ का खाना जो है वो बहुत मजेदार है। बेगम साहब ने कहा कि माँ के हाथ की याद नहीं आई, ये खाना मजे का नहीं था। नहीं, कभी ऐसे नहीं हुआ, लेकिन उसने बड़े अच्छे तरीके से जो मेरी वालदा बनाती थी जैसे, फिर वैसा बनाना शुरू कर। अच्छा, जब आई थी तो फिर बनाना नहीं आता था खाना ऐसा जैसा मैं खाता हूँ। लेकिन कैसा खाना खाते हैं? स्पाइसी खाते हैं, लाइट, अच्छा बना हुआ हो, ज्यादा ऑयली भी ना हो, मतलब ये है कि मसाला भी ना हो, मसालों के बगैर, ऑयल के बगैर अच्छा खाना बनता है। पहला पंजाबी सुना है, वरना तो सिरी पाए से तो स्टार्ट होता है। नहीं, सिरी पाए भी अगर आप बनाए, मैं लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टर के नाश्ते पे था, मैं अकेले वो थे और मैं था दोनों, वहाँ सिरी पाए भी थे, खाद की बोटी भी थी और वहाँ पर हरीसा भी था। वैसे शरीफ खानदान के खाने बड़े मशहूर है। बिल्कुल, जब आपके घर में अच्छा खाना बनता हो तो फिर खाना खाता है बंदा, शक्ल भी नजर आती है ना, शक्ल भी माशाल्लाह खूबसूरत, ठीक है आपने, और फ्रेशनेस जो है वो दोनों जो पूरी फैमिली में दिखती है, पूरी फैमिली पे दिखती है। तो अल्लाह ने दिया हो तो खाना भी चाहिए। सही, तो जब खाना दिया हो तो खाना चाहिए, और जब खाना खाते हो तो बड़े कहते हैं बात नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ घर की। बहुत शुक्रिया, पर यहाँ मैं सर आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक यू सो मच हनीफ साहब, आपने हमें टाइम दिया, एंड आई होप आपको हमारे साथ मजा आया होगा। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि आपका प्रोग्राम तो पहले ही बहुत देखा जाता है। थैंक यू जी, और मुझे भी अपने बहुत सारी चीज़ों को आपके प्रोग्राम के जरिए लोगों, तो क्योंकि आपने जो भी प्रोग्राम किया पूरे के पूरे प्रोग्राम पॉजिटिव था जी, उस पर जितने क्वेश्चन थे वो भी रोजमर्रा के क्वेश्चन है लोगों के, उसका मैंने जवाब आपके सामने रखा। बस सर, अब हम ये चाहेंगे कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त इंतशार फैला हुआ है, चाहे वो कसूर की बच्चियां हों, वो चाहे केपीके की बच्चियां हों, वो चाहे मुल्क के किसी भी कोने की बच्चियां हों, बड़े हों, लड़के हों, लड़कियां हों, कोई ऐसा कानून भी अब पक्का कर दें खुदा के वास्ते कि इनको सरेआम सज़ा मिलने जब तक शुरू नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ। आप यकीन माने कि मेरा आपसे बहुत इत्तेफाक है इस बात के ऊपर, और मैंने पहले भी आपको प्रोग्राम में कहा कि बच्ची अगर खैबर पख्तूनख्वा की है तो हमारी बेटी है, बिल्कुल, अगर पंजाब की है, सिंध की है, बलूचिस्तान की, तो हमारी बेटी है। बिल्कुल, तो जनाब इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह जहाँ इतनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी पॉइंट आउट कर लेते हैं, और ये हमारी फितरत में भी है,
कि हम गलतियां बहुत जल्दी लोगों की पकड़ते हैं, हम अच्छाइयों की तरफ नहीं जाते। हमारी कोशिश होती है इस शो के ज़रिए हम कहीं ना कहीं अगर इनसे कोई कोताही हुई है उसकी तरफ भी पॉइंट ऑफ उंगली को उठाएं, लेकिन हमेशा उंगली उठाने से पहले ये ज़रूर सोचें कि तीन उंगलियां तो आपकी तरफ मुड़ रही है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पंजाब इन्होंने साफ रखना है, ज़रूरी ये है कि अगर इन्होंने साफ़ कर दिया तो अपना मोहल्ला अब मुझे भी साफ़ रखना है, अपना घर मुझे भी साफ रखना है, अपने लोगों की तरफ मुझे भी नज़र रखनी है। हुकूमत अपना काम कर रही है, हुकूमत अपना काम करती है, लेकिन हमें भी हुकूमत के साथ उसी तरह कंधे से कंधा जोड़ के काम करना पड़ेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड पे मैं आपको मिलवाऊंगी एक नए मेहमान से, नई गुफ्तगू, नए सवालात और बहुत सारे मज़े के साथ। सो प्लीज़ मेरा इंतज़ार कीजिएगा और प्लीज़ इस हफ्ते को बहुत अच्छा इन्जॉय करके गुजारें, इधर उधर की खबरों में मत घुसें, अपनी ज़िंदगी को गुजारें और देखें कि आपने आने वाले अगले इलेक्शन में क्या सही फैसला करना है।